मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे साइंस। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। आपको पता है हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है, तो आज हमने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। हम लेसन 7, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लेसन 7 क्या है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स की पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास जो है अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और उनके जो शेप्स और साइज होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, एक से शेप्स और साइज नहीं होते सब प्लांट्स के। डू यू लर्न अबाउट सम प्लांट्स ऑफ ए पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लास? आपने अपनी लास्ट क्लास में भी प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो अब हम यहाँ पर भी पार्ट्स, जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, अनजम्बल द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स देन लेबल देम करेक्टली इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये देखिए नीचे पिक्चर दी हुई है, पहले ये अनजम्बल्ड है, इनको सही करके आपको प्लांट्स के पार्ट के बारे में लिखना है, फिर कौन कौन सा प्लांट, जो प्लांट का पार्ट है उसके नेम मेंशन करने हैं। सबसे पहला है रूट, सेकेंड नंबर पे आपका स्टीम, ROOT रूट, STEM स्टीम, LEAF लीफ, FLOWER फ्लावर, BUD बर्ड, FRUIT फ्रूट। ये सिक्स पार्ट्स के नेम आ गए। अब सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सा पार्ट है? रूट, ROOT रूट, जिसको कि नीचे जड़ बोलते हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर होता है। ये जो ऊपर टहनी आती है, हल्का सा पौधा बाहर आता है प्लांट का, इसको बोलते हैं स्टीम, STEM स्टीम। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? फ्रूट, FRUIT फ्रूट। क्या है ये? फ्रूट। उसके बाद हम नेक्स्ट है आपका, ये देखिए फ्लावर, FLOWER। क्या है ये पार्ट? फ्लावर। इसके बाद ये कौन सा पार्ट है? बर्ड, BUD बर्ड, कली होती है ना, उसको बोलते हैं बर्ड। और ये क्या है? LEAF लीफ। तो ये जो आपके ये जो पार्ट्स के नेम है, ये अपने को इस पर मेंशन करने हैं। ओके, अब हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स एंड देयर यूजेस। पार्ट्स के जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से और उनके क्या यूज है? अब प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। प्लांट्स के जो टू मेन पार्ट्स होते हैं वो रूट एंड शूट। रूट तो जो होता है वो ये हिस्सा होता है जो कि ग्राउंड के अंदर होता है। ये देखो लिखा है ना, द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। और जो पोर्शन रूट का, ये प्लांट का ग्राउंड से ऊपर होता है उसको बोलते हैं शूट। द पार्ट अबव द ग्राउंड इन कॉल्ड द शूट। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टीम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लांट की स्टीम आती है, लीव्स आती हैं, बर्ड्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं एंड फ्रूट्स आते हैं। तो ये जो पिक्चर है पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स की, ये आपको अपनी नोटबुक में आज का होमवर्क है, आपको ये ड्रॉ करनी है। ड्रॉ इन योर नोटबुक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और उनके ऐसे बना करके पिक्चर, इस तरह से आपको नेम भी मेंशंस करने हैं। ओके, सबसे पहले है रूट्स, हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स इन द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजली ग्रो बिलो द ग्राउंड। जो रूट है वो यूजली ग्रो कहाँ करता है? ग्राउंड के अंदर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फेब्रस रूट। जो मेन है ना, टू टाइप्स की रूट्स होती हैं, एक तो है टैप रूट और एक है फेब्रस रूट। ये देखिए टैप रूट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन थिक रूट फ्रॉम विच स्मॉल रूट्स ग्रो। ये कितनी मोटी थिक होती है, ये देखिए ये बनी हुई है, जिसके अंदर छोटी छोटी जो हैं और भी रूट्स जो है ग्रो करती हैं। प्लांट सच एज बीन्स, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस हैव टैप रूट। जो प्लांट्स हैं बीन्स के, मस्टर्ड्स के और हिबिस्कस के, वो किस में होते हैं? टैप रूट में। फेब्रियस रूट, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन रूट्स दैट अपेयर बशी। ये देखिए ये बनी हुई है बच्चे, इसमें छोटी छोटी जो हैं वो थिन, पतली पतली रूट्स हैं, बशी यानी मतलब एकदम सॉफ्ट सी
देयर इज नो मेन रूट, ये मेन रूट नहीं है। सच एज ग्रास वीट एंड ओनियन हैव फाइब्रस रूट्स, जो कि मिट्टी के अंदर ये रूट्स होती है ना, जैसे कि आप देखते हो ग्रास घास आती है छोटे 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 होते हैं, कोई ज़्यादा मोटी नहीं होती, थिन रूट्स होती हैं, और ओनियन का जो है वो उसकी भी ग्राउंड के अंदर रूट्स होती हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स के फंक्शन क्या है, मतलब क्या काम है। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स आर गिवन बिलो। इट हेल्प्स टू प्लांट स्टे फिक्स टू द सॉयल, ये जो है प्लांट्स को फिक्स रखने में हेल्प करती हैं सॉयल में। तो आप उसके फंक्शंस क्या हैं, इट हेल्प्स टू प्लांट स्टे फिक्स्ड इन सॉयल, इट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। इस ये क्या है, प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स भी मिलते हैं सॉयल से, उसमें हेल्प करती है रूट, विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स, सम प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड को रूट्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सम ऑफ दीज रूट्स सच एज रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड कैरेट कैन बी ईटन बाय ह्यूमन बींग्स, और कुछ रूट्स के ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको कि हम लोग खाते हैं, जैसे कि आप ये देखो रेडिश यानी मूली, टर्निप शलजम, बीटरूट चुकंदर एंड कैरेट गाजर, जो कि हम लोग खाने में भी अपने यूज लेते हैं। नेक्स्ट प्लांट का पार्ट है स्टीम, अब हम पढ़ेंगे स्टीम के बारे में। द स्टीम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट, शूट का जो मेन पार्ट है वो क्या है, स्टीम है। द स्टीम कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, स्टीम दोनों तरह की होती है, वीक भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। ट्रीज सच एज द बेनियन ट्री एंड द पीपल ट्री हैव ए थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम कॉल्ड द ट्रंक, जो आपने देखा ना बड़ा सा बेनियन ट्री और पीपल ट्री होता है, उसकी जो स्टीम होती है देखो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी मोटी है पीपल ट्री की, देखो इसको बोलते हैं ट्रंक। इट होल्ड द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट, ये जो है ट्री को बिल्कुल सीधा एकदम खड़ा रखती है। प्लांट सच एज ग्रेपवाइन, मनी प्लांट एंड बीन हैव वीक स्टीम, जो ग्रेपवाइन के यानी अंगूर के जो प्लांट होते हैं वो उसको बोलते हैं ग्रेपवाइन। मनी प्लांट आप देखते ना आपके घरों में लगा होता है ये देखो इस तरह से, और बीन्स के जो होते हैं उनकी वीक स्टीम होती है क्योंकि वो किसी न किसी सहारे से होती है, सीधी खड़ी नहीं होती स्टीम। सच प्लांट्स इधर ग्रो अलोंग द ग्राउंड और नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स वॉल और स्टीम, तो उनकी स्टीम वीक होती है, उनको किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वह वॉल के सहारे ये प्लांट खड़े करो या कोई स्टिक लगाओ इसके बीच में, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनकी जो स्टीम होती है वो वीक होती है। फंक्शंस ऑफ स्टीम, स्टीम के फंक्शंस क्या हैं। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टीम आर गिवन बिलो। इट कीप्स द प्लांट्स अपराइट एंड स्ट्रेट, ये जो है पौधे प्लांट को सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है। लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टीम, लीव्स बर्ड्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स किस पे ग्रो करते हैं, स्टीम पे ही ग्रो करते हैं। द स्टीम्स कैरीज वाटर न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्टीम जो है प्लांट के लिए वाटर न्यूट्रिशन और फ्रूट जो है वो अपने अंदर कैरी करके रखती है। स्टीम्स ऑफ सम प्लांट्स आर थिक बिकॉज दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, और कुछ प्लांट्स की स्टीम जो होती है वो जो होती है थिक होती है, इसलिए वो ज़्यादा फूड स्टोर करके प्रिपेयर करके रखते हैं। सम ऑफ दीज स्टीम्स सच एज शुगर कैन, पोटैटो एंड जिंजर कैन बी ईटन बाय ह्यूमन बींग्स, और कुछ रूट्स हैं जिनको हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि शुगर कैन, आप गन्ना खाते हैं ना, पोटैटो यानी आलू, जिंजर, अदरक, जो कि हम लोगों के खाने में भी यूज़ होती हैं। तो आज हमने टू पार्ट्स के बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में कि टू टाइप्स के रूट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और स्टीम के बारे में पढ़ा कि स्टीम किस तरह से होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट बाकी लेसन पढ़ेंगे। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप अच्छे से रीड करें, और ये पार्ट्स ऑफ आ प्लांट्स जो है ये आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, सुंदर सुंदर कलर करेंगे और पार्ट्स के नेम लिखेंगे, और ये जो
क्वेश्चन है जो ये आपको मैंने बुक में कराया, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया बच्चों तो आप मुझसे कॉल करके बात करो, वीडियो कॉल करो, या मैं एवरी सैटरडे आपकी गूगल मीट पे क्लास लेती हूँ, आप उसको अटेंड करो और अपनी प्रॉब्लम आप मुझसे ज़रूर शेयर करो। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।